एंड गेम के बाद सभी स्टोन्स को सभी जगह है सही तरह से रिटर्न करना हमारे कैप्टन के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा काम रहा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जो स्टोन जहां से लिया गया था उसे उसी फॉर्म में वहीं पे वापस ना करके वहां से न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। तुम्हें याद होगा रियलिटी स्टोन लिक्विड फॉर्म में था और वो जेन के अंदर था, माइंड स्टोन एक सेप्टर के अंदर था, पावर स्टोन ऑफ के अंदर था और स्पेस स्टोन एक क्यूब के अंदर था जिसको टेजरेक्ट कहा जाता है। बाकी सोल स्टोन और टाइम स्टोन ठीक है, ये दोनों स्टोन फॉर्म में ही थे। तो कैप्टन ने बाकियों को कैसे रिटर्न किया होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कैप्टन ने सबसे पहले टाइम स्टोन को रिटर्न किया एंशियन वन के पास? अब एंशियन वन को पहले से ही पता था क्योंकि उसे हल्क ने बता दिया था, तो एंशियन वन ने शायद कैप्टन की हेल्प की। उन्होंने अपने टाइम स्टोन से टाइम्स को रिवर्स करके सभी स्टोन को उनके ओरिजिनल फॉर्म में ला दिया। इसके बाद कैप्टन गया और छोड़ दिया सभी स्टोन को अपनी जगह पर। मुझे अभी भी डाउट है कि कैप्टन ने जेन को कौन सा इंजेक्शन दिया होगा रियलिटी स्टोन वापस करने के लिए।